हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, यूर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीडी वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज कंजेक्शंस. तो बच्चों, अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि कंजेक्शंस क्या होते हैं. हमने उनके टाइप्स पढ़े हैं, डेफिनेशन पढ़ी है. थ्री टाइप्स के हमने पढ़े हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजेक्शंस, कोरिलेटिव कंजेक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजेक्शन. और किस तरह से सेंटेंस में यूज करते हैं वो भी हमने डिफरेंट एग्जाम्पल्स के हेल्प से आपको समझाया था. कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं. आज हम एक्सरसाइज करेंगे, तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. ये हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि कहाँ पे हम यूज करते हैं. तो कंजेक्शन की डेफिनेशन क्या है बच्चों? कंजेक्शन इज अ वर्ड विच जॉइन टू और मोर वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस. क्लियर? यहाँ पे हमने एग्जाम्पल पढ़ा था बच्चों कि किस तरह से दो सेंटेंसेस को हम ज्वाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंजेक्शंस. नेक्स्ट हमने पढ़े थे कोऑर्डिनेटिंग कंजेक्शंस कौन कौन से होते हैं और हाउ टू यूज देम इन अ सेंटेंस. नेक्स्ट पढ़े थे हमने इसके एग्जाम्पल्स कोऑर्डिनेटिंग कंजेक्शंस के, और किस तरह से दो सब्जेक्ट को, दो नाउन को, दो प्रोनाउन को, या नाउन और प्रोनाउन होते हैं, या दो एडजेक्टिव्स होते हैं, या दो एडवर्ब होते हैं, किस तरह से हमारे जो है कंजेक्शंस उनको ज्वाइन करते हैं टू सेंटेंसेस को टू मेक अ सिंगल सेंटेंस. वन सेंटेंस को बनाने के लिए, सिंगल बनाने के लिए हम किनको यूज करते हैं? कंजेक्शंस को यूज करते हैं. और यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजेक्शंस को यूज किया है टू ज्वाइन टू नाउन, टू प्रोनाउन, टू एडजेक्टिव, टू एडवर्ब एंड टू नाउन एंड प्रोनाउन. नेक्स्ट में हमने देखा कि फ्रेजेस को भी हम किस तरह से ज्वाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंजेक्शंस और सेंटेंसेस. यहाँ पे हमने एग्जांपल देखा था कि दो सेंटेंस थे और किस तरह से हमने विद द हेल्प ऑफ कंजेक्शंस उसको एक सेंटेंस बनाया था, राइट? तो राहुल इज माय फ्रेंड, नीरज इज माय फ्रेंड, तो एक सेंटेंस क्या बनाया? राहुल एंड, तो एंड इज योर कंजेक्शन. तो एक वर्ड की वजह से हमने जो है एक सेंटेंस बनाया है, उसको सिंगल में चेंज किया है. नेक्स्ट हमने पढ़ा था कोरिलेटिव कंजेक्शंस. तो कोरिलेटिव कंजेक्शंस क्या होते हैं बच्चों? पेयर्स ऑफ कंजेक्शंस. ईदर और, नीदर नॉर, ये सारे क्या है हमारे कंजेक्शंस हैं, कोरिलेटिव, राइट? तो कोरिलेटिव कंजेक्शंस को किस तरह से सेंटेंस में यूज करते हैं? टू ज्वाइन टू ज्वाइन प्रोनाउन और नाउन, या दो वर्ब को हम किस तरह से जोड़ते हैं. यहाँ पे सेंटेंसेस हमने यहाँ पे दिए हैं और पेयर ऑफ कोरिलेटिव कंजेक्शंस है यहाँ पे यूज में. क्लियर? कॉम्प्लीमेंट है, चाहे एब्जेक्टिव है, चाहे दो सेंटेंसेस आपके, चाहे वर्ब है, चाहे ऑब्जेक्ट है. क्लियर? तो ये ऑलरेडी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं. अभी हम क्विक रिविजन देख रहे हैं. सबऑर्डिनेटिंग कंजेक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजेक्शंस आर गिवन हियर. ये हम कहाँ पे यूज करते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजेक्शंस? कंजेक्शन दैट लिंक्स अ डिपेंडेंट, दो होते हैं, एक डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लोज टू एन, और दूसरा होता है हमारा इनडिपेंडेंट क्लोज. इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए वी यूज सबऑर्डिनेटिंग कंजेक्शंस. क्लियर? यहाँ पे बच्चों कंजेक्शंस ये हैं एंड, अंटिल, बट एंड, अंटिल. यहाँ पे क्या दिया हुआ? एंड और, बट और, रेदर देन, before, until, so that, although, even though, as long as. तो ये सारे क्या है हमारे कंजेक्शन. टाइम के लिए हम कंजेक्शन को यूज करते हैं. कौन कौन से यूज करते हैं? यहाँ पे एग्जाम्पल्स ये हैं, कंपेरिजन के लिए, कंडीशन के लिए, रीजंस, रिलेटिविटी, ओपिनियन के लिए हम क्या यूज करते हैं? तो डिफरेंट हमने इनको डिवाइड कर दिया है अकॉर्डिंग टू द जो भी हमारा टॉपिक है. चाहे टाइम के लिए हम यूज कर रहे हैं, चाहे हम रिलेटिविटी के लिए यूज कर रहे हैं. क्लियर? तो यहाँ पे एग्जांपल्स ऑफ कंजेक्शंस, डिफरेंट कंजेक्शंस आर यूज्ड इन डिफरेंट सेंटेंसेस. यहाँ पे हमने रूल डिस्कस करे थे कि कहाँ पे आपको कॉमा लगाना है और कहाँ पे नहीं लगाना है, कैसे आपको फुल स्टॉप लास्ट में यूज करना है, कैपिटल लेटर को कैसे यूज करना है. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं बच्चों. ये भी हमने डिस्कस करा था कि आई एंजॉय ड्रिंकिंग ट्री ग्रीन टी, ड्रिंकिंग ग्रीन टी लाटे, इट इज द नेम ऑफ ए टी और कॉफी का नाम है लाटे, एस्प्रेसो लाटे, दिस इज ऑल्सो द नेम ऑफ कॉफी और टी. आई वेंट टू एरिजोना, तो यहाँ पे क्या है बच्चों? बट, बिकॉज,
nor, after, whenever, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. यहाँ पे कोरिलेटिव है इधर और ऑफ. नॉट ओनली बट देयरफॉर हाउएवर फैक्ट. नेक्स्ट है यहाँ पे आपको बताना है डिफरेंट कंजक्शंस को अंडरलाइन करना है इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. तो एग्जाम में बच्चों इसी टाइप के आएंगे क्वेश्चन. वर्क हार्ड और यू विल फेल. तो और इज योर कंजक्शन. नेक्स्ट क्या है बच्चों, सिंस इट इज रेनिंग आई कैन नॉट गो टू स्कूल. तो क्या होगा बच्चों यहाँ पे, सिंस. तो अभी हमने पढ़ा था कि किस तरह से अगर हमारा सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन से अगर कोई सेंटेंस शुरू होता है तो उसके बाद क्या आता है, हमारा कॉमा यूज कर सकते हैं. तो सिंस इट इज रेनिंग आई कैन नॉट गो टू स्कूल. आई लाइक हिम, हम रीजन दे रहे हैं बिकॉज ही इज ऑनेस्ट. आई नो रिलेटिविटी है, ही विल कम. ही इज पुअर स्टिल पीपल लव हिम. द सन सेट एंड द नाइट फेल. टॉम हैज फेल्ड बट जॉन हैज पास्ड. आई विल डू दिस इफ, परमिशन ले रहे हैं, आई विल डू दिस इफ आई एम अलाउड. ही कुडंट पास दो ही ट्राइड हार्ड. तो इस तरह से एग्जाम में अगर कोई एक्सरसाइज आएगी और आपको अंडरलाइन करने हैं, क्योंकि अभी हमने डिटेल में पढ़ लिया है कि कोरिलेटिव क्या होते हैं, कंजक्शंस कोऑर्डिनेटिंग क्या होते हैं, या हमारे सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होते हैं और किस तरह से आपको अंडरलाइन करना है. क्लियर. नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पे एक एक्सरसाइज दी गई है, चूज द करेक्ट कंजक्शंस एक्सरसाइज. द वेदर इन टेक्सास इज हॉट. अब यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों कि वेदर कैसा है टेक्सास का, हॉट है. इट इज नोन टू गेट कोल्ड देयर एज वेल. परंतु क्या आएगा, इट इज नोन टू गेट, तो यहाँ पे क्या आएगा बट, परंतु. नेक्स्ट है यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम, इट रेन्स ऑन संडे आई विल नॉट बी एबल टू ड्राइव. यदि क्या है, इट रेन्स, इफ इट रेन्स ऑन संडे आई विल नॉट, और यहां पे आपका कॉमा लगेगा. नेक्स्ट है आई लाइक डॉग्स अ लॉट. मैं डॉग्स को बहुत अच्छा मानता हूं. आई लाइक पसंद है. आई लाइक डॉग्स अ लॉट क्योंकि दे आर सो फ्रेंडली. Neither my mother, अब यहाँ पे क्या है हमारा correlative है, pair of conjunction है, correlative conjunction है. Neither my mother nor my friend nor my father will be able to attend the party on Sunday. Clear? तो इस तरह से आपको exam में अगर fill in the blanks के में आएगा how to fill the conjunction, तो इस तरह से आपको exercise को करना है. Clear? एक या तो अंडरलाइन करने के लिए आएगा आपको, या आपको फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में पूछा जाएगा कि किस तरह से आपको फिल करना है. क्लियर. नेक्स्ट है बच्चों, नेम द टाइप ऑफ कंजक्शन एक्सरसाइज. अब यहाँ पे आपको क्या बताना है, टाइप ऑफ कंजक्शन. क्लियर. यहाँ पे क्या है बट, पहले आप अंडरलाइन करें कि कौन सा कंजक्शन है यहाँ पे. इफ, ईदर, और, until, yet. Clear? तो पहला वाला हमने पढ़ा था कि coordinating conjunctions है, और coordinating conjunctions को एक हमने जो है fan boy से जो है learn करवाया था आपको. Right? तो पहला वाला है आपका coordinating, जैसे अभी मैंने आपको बोला यहाँ पे क्या है coordinating conjunction. But brings two equally important ideas together. यहाँ पे reason भी दिया है आपको. Second में है आपका subordinating कंजक्शन. जेनी कैन रीड लिप्स इफ शी इज लुकिंग राइट एट यू. इधर ये क्या है आपका कोरिलेटिव है कंजक्शन. इधर इज ऑलवेज फॉलोड बाय और, दो से ये फॉलो कर रहे हैं, इधर से और से. नेक्स्ट है आपका अंटिल, सबॉर्डिनेटिंग है ये भी आपका. वी वॉन्ट नो हाउ वेल दैट इज
और यट जो है आपका कोऑर्डिनेटिंग है, क्योंकि सैंड बॉय से हमने याद करा था वाइफ और यट। तो आपको इस तरह से आपको लर्न करना है कि कौन सा हमारा यूज हुआ है यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेटिंग। यहाँ पे आपका क्या है सबऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव, अंटिल आप इज योर सबऑर्डिनेटिंग। तो एक जगह आप तीन कॉलम बना के लिखेंगे कि कोऑर्डिनेटिंग के नाम लिखेंगे, सेकंड में आप लिखेंगे कोरिलेटिव के, और थर्ड में लिखेंगे सबऑर्डिनेटिंग। और सब कंजक्शंस को आप लर्न करें और फिर देखें कि कहाँ पे कौन सा हमने यूज किया है। टोनी वांटेड टू मेक अ न्यू, तो येट इज योर कोऑर्डिनेटिंग। तो बट हमने यहाँ पे क्यों लिखा है बच्चों, आई वुड लाइक टू गो टू द मूवीज बट देयर इज नथिंग गुड प्लेइंग। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि आई वुड लाइक टू गो टू द मूवीज कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ब्रिंग्स टू इक्वली इम्पोर्टेंट आइडियाज टूगेदर, परंतु सबऑर्डिनेटिंग इफ इंट्रोड्यूसेस द सबऑर्डिनेट क्लोज, एक जो है दूसरे पे क्या है डिपेंडेंट है। कोरिलेटिव इधर इज ऑलवेज फॉलोड बाय और, हमने पहले ही पढ़ा था कि कोरिलेटिव कंजक्शंस क्या होते हैं बच्चों, पेयर ऑफ कंजक्शंस। तो यहाँ पे कौन कौन से पेयर यूज हुए हैं, इधर और। नेक्स्ट में भी आपका क्या है सबऑर्डिनेटिंग है, अंटिल इंट्रोड्यूसेस द सबऑर्डिनेटिंग क्लोज। तो सबऑर्डिनेटिंग में आप क्या नोटिस करेंगे कि एक डिपेंडेंट है और एक क्या है इंडिपेंडेंट क्लोज है। Coordinating yet connects two equally important ideas. Tony wanted to make a new recipe. He also wanted to order pizza. तो दो sentences को यहाँ पे दो ideas को importance दे रहे हैं, that is why यहाँ पे क्या use हुआ है coordinating conjunction. Is it clear? एग्जाम में इस टाइप से भी आएगा, हमने तीन एक्सरसाइज करी है, एक में हमने देखा कि किस तरह से आपको कंजक्शंस को अंडरलाइन करना था, दूसरी एक्सरसाइज में हमने देखा कि किस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स में आपको कंजक्शंस भरने थे, थर्ड एक्सरसाइज में हमने देखा कि यहाँ पे क्या करना है नेम द टाइप ऑफ कंजक्शंस। आपको यहाँ पे टाइप के, जैसे हमने डिफरेंट थ्री टाइप्स के कंजक्शंस पढ़े हैं, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव कंजक्शन। तो इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में हमने याद करा था, जैसे अभी मैंने बताया फैन बॉयज से। सबऑर्डिनेटिंग में आपका किस तरह से आप जज करेंगे या आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग है, तो एक क्लॉज जो है दूसरे पे डिपेंडेंट रहेगा, एक डिपेंडेंट रहेगा और एक इंटरडिपेंडेंट रहेगा। कोरिलेटिव कैसे पहचानेंगे, जहां पे पेयर्स ऑफ कंजक्शन आर यूज। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सुटेबल कंजक्शन। देयर इज अ स्मॉल बट इंटरेस्टिंग, परंतु क्या है यहाँ पे एक छोटी क्या है, देयर इज अ, दिस इज अ स्मॉल बट इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो यहाँ पे क्या फिल करना है आपको, बट। नेक्स्ट में क्या है, मनु एंड अनु हेल्प ईच अदर। तो यहाँ पे हेल्प ईच अदर, अगर यहाँ पे एंड नहीं होता तो भी आपका एंड क्या होता, आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। क्लियर? व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं क्या था चाइल्ड था, तो मैं कहाँ था दुबई में, आई लिव्ड इन दुबई। व्हाइल द सन शाइन वी विल विजिट पेरिस। अब देखो यहाँ पे दो हैं हमारे नाउन, पेरिस है और रोम है, तो दोनों को हमें क्या करना है, वी विल विजिट, हम करेंगे पेरिस या रोम ड्यूरिंग द समर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे और। क्लियर? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, वी विल विजिट पेरिस और रोम ड्यूरिंग द समर। लेट अस वेट हियर टिल या अंटिल, यहाँ पे हम करना है लेट अस वेट हियर अंटिल द रेन स्टॉप। तो यहाँ पे क्या है, आप जरा यहाँ पे वेट करें, द
कब तक करनी है? जब तक द रेन स्टॉप्स, बारिश रुक जाए। तो इस तरह से आपको डिफरेंट जो है कंजेक्शंस यूज करने हैं। तो हमने डिफरेंट एक्सरसाइज करते जा रहे हैं और आई होप आपकी प्रैक्टिस होती जा रही है और आपको याद भी हो गया होगा ये कौन से कंजेक्शंस हमने यहाँ पे यूज करे हैं, कोऑर्डिनेटिंग करे हैं या हमने सबऑर्डिनेटिंग करे हैं। तो यहाँ पे कोरिलेटिव कंजेक्शन नहीं आए हैं, राइट। नेक्स्ट इज योर, दो ही वर्क्ड हार्ड ही फेल्ड। तो ही वर्क्ड हार्ड ही फेल्ड। नेक्स्ट इज योर, माई मदर, आई रिगार्ड माई मदर एज माई बेस्ट फ्रेंड, एज माई बेस्ट फ्रेंड। मैं मदर को कैसे रिगार्ड करता हूं, जैसे मेरी क्या है, फ्रेंड। I was suffering, as I was suffering from fever, I couldn't attend the class. जैसे कि मैं क्या हूँ, किससे सफर कर रहा था, फीवर से, I couldn't attend the class. My sister is not so intelligent as my mother. तो और as का pair है, correlate. My sister is not so intelligent as my brother. He is as tall as his father. Do your duty as long as, कि जितने as long as you live, तब तक आप अपनी duty को पूरा करो. As long as. As long as you live. He was treated as a guest. तो यहाँ पे हमने different conjunctions use करे. Though he worked hard, he failed. I regard my mother as my best friend. As I was suffering from fever, I couldn't attend the class. My sister is not so intelligent as my brother. तो यहाँ पे compare करा है कि भाई मेरी जो है सिस्टर क्या है, इज नॉट सो इंटेलिजेंट, जितना मेरा ब्रदर है उतनी इंटेलिजेंट नहीं है. ही इज एज टॉल एज हिज फादर, यहाँ पे भी अपने फादर से कंपेयर करा है कि ही इज एज टॉल एज हिज फादर, कितना लंबा है अपने फादर की तरह. डू योर ड्यूटी एज लॉन्ग एज यू लिव, जब तक तुम जो है जिंदा हो, लाइव हो, तब तक तुम क्या करो, अपनी ड्यूटी करो. ही वॉज ट्रीटेड एज अ गेस्ट, उसको कैसे ट्रीट किया है, एज अ गेस्ट, मेहमान की तरह. क्लियर. नेक्स्ट है बच्चों, द क्लाइमेट इन कैलिफोर्निया इज हॉट. अब यहाँ पे क्या बोला है कि कैलिफोर्निया का जो टेम्परेचर है या क्लाइमेट है वो क्या है, बहुत ज्यादा हॉट है. इट इज ऑल्सो नोन टू गेट चिली, और ये किसके लिए भी जाना जाता है, बहुत ज्यादा ठंड के लिए. तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, द क्लाइमेट इन कैलिफोर्निया इज हॉट बट परंतु इट इज ऑल्सो नोन टू गेट चिली. Dash, it is snows on Sunday. She will not be able to navigate. अब यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों? If it snows on Sunday, कि यदि क्या है, Sunday को क्या होता है, snowfall होता है, snow गिरती है. She will not be able to navigate. I adore dogs, क्योंकि they are very outgoing. तो यहाँ पे क्या आएगा? Because. Adam does not have a vehicle, so Priya will have to drive her home. Neither my mom. अब क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, अगर यहाँ पे भी डैश होता तो हम क्या भरते, क्योंकि दो अगर हमारे fill in the blanks होंगे तो obviously क्या आएगा उसमें, correlative. तो यहाँ पे अगर डैश होता तो क्या लिखते हैं हम, neither my mom nor my dad will be able to come to the party on Friday.
I enjoy honey in my tea, but not cream in it. I enjoy honey in my tea, कि मैं enjoy करता किसको? Honey को अपनी चाय में, but not cream in it. उसमें cream नहीं हो. Pay any attention to the narrative and give answers in full sentences. Pay any attention to the narrative and give answers in full sentences. Is today Tuesday? क्या आज क्या है? Tuesday है. कई बार पूछते हैं ना आप, is today Tuesday or Monday या Wednesday? तो यहाँ पे क्या आएगा, is today Tuesday or, यानी आप या और नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हम पूछ रहे हैं Tuesday है या Wednesday. तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, इज टूडे ट्यूजडे और वेडनेसडे. क्लियर? तो इनको नोट करते हुए जाएं बच्चों और अपनी नोट कॉपी में लिखें, क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना जो है आपके ये कंजेक्शंस जो है शार्प होंगे, और आपको अगर सेंटेंसेस में यूज भी करना है तो आपको क्लैरिटी रहेगी कि कहाँ पे हमें सबॉर्डिनेटिंग कंजेक्शन यूज करना है या कोरिलेटिव कंजेक्शन यूज करना है या कोऑर्डिनेटिंग कंजेक्शन को यूज करना है. क्लियर? तो फर्स्ट में हमने क्या भरा बच्चों, द क्लाइमेट इन कैलिफोर्निया इज हॉट बट इट इज ऑल्सो नॉन टू गेट चिली. इफ इट इज स्नोस ऑन संडे शी विल नॉट बी एबल टू नेविगेट. आई एडोर डॉग्स क्योंकि बिकॉज दे आर वेरी आउट गोइंग या दे आर वेरी फ्रेंडली. एडम डज नॉट हैव अ व्हीकल सो प्रिया विल हैव टू ड्राइव हर होम. नीदर माई मॉम नॉर, नीदर और नॉर क्या है, पेयर ऑफ कंजेक्शन है, कोरिलेटिव कंजेक्शन है, इधर और. नीदर माई मॉम नॉर माई डैड विल बी एबल टू कम टू द पार्टी ऑन फ्राइडे. आई एंजॉय हनी इन माई टी बट नॉट क्रीम इन इट. पे एनी अटेंशन टू द नरेटिव एंड गिव आंसर्स इन फुल सेंटेंसेस. इज टूडे ट्यूजडे और वेडनेसडे. क्या आज क्या है, ट्यूजडे है या वेडनेसडे. नेक्स्ट है बच्चों, Johnny was late. अब क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि because हम कहाँ यूज करते हैं, तो give the reason, कारण देने के लिए. तो हम पहले यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई Johnny क्या है, he was late, कि वो लेट था. क्यों था? क्योंकि because the shuttle failed to arrive. We were exhausted, हम बहुत ज्यादा tired हैं, but enjoyed following on travel to Australia. तो यहाँ पे अगर आपको confusion हो रहा है तो ये भी लिख सकते हैं, John was late because the van failed to arrive, कि वो time से नहीं पहुंचे. We were exhausted but overjoyed following our travel to Australia. तो यहाँ पे परंतु हम बहुत ज्यादा exhausted means tired थे, थक गए थे, फिर भी क्या करा हमने, ओवर जॉइड करा अपनी जो ट्रैवल कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया को. दे रीच द समिट ऑल्दो इट वाज वेरी चिली. कि वो कहां पहुंचे, समिट, समिट में स्टॉप, तो वहां पे पहुंचे क्योंकि ऑल्दो जबकि क्या था वहां पे, इट वाज वेरी चिली. क्लियर? Shreya was studying in the car while her friend was watching the bus. Shreya क्या कर रही थी, ड्राइविंग कार में क्या कर रही थी, पढ़ रही थी, जबकि उसके जो फ्रेंड्स थे they were watching the, या फ्रेंड जो उसकी फ्रेंड थी was watching the bus. I'll call you after I come to Canada. कि मैं तुम्हें कब कॉल करूंगा, जब मैं कहां से वापस आऊं. I come to Canada. I will call you after I come to Canada. अब यहाँ पे देखो बच्चों, दो fill in the blanks हैं, तो आपको आपके mind में आ गया होगा कि अभी हमें क्या भरना है. यहाँ पे pair of conjunctions. तो pair of conjunctions क्या होते हैं आपके, तो pair of conjunctions क्या होते हैं, correlative conjunctions. तो यहाँ पे हमारे दो fill in the blanks हैं, तो हम क्या भरेंगे, neither my brother nor my uncle has a vehicle. कि ना मेरे भाई के पास और ना ही मेरे अंकल के पास क्या है, वहीकल है. तो यहाँ पे हम दो कौन सा पेयर ऑफ कंजेक्शन भरेंगे या फिल करेंगे, नीदर एंड सेकंड इज योर नॉर.
The sun was extremely hot, yet the breeze was slightly refreshing. तो यहाँ पे क्या बोला है, द सन वॉज एक्सट्रीमली हॉट, कि सन जो है बहुत ज्यादा क्या है, हॉट है, यट और ब्रीज कैसी है, वॉज स्लाइटली रिफ्रेशिंग. तो पहले में क्या भरा हमने बच्चों, जॉन वॉज लेट बिकॉज, वी वर एग्जॉस्टेड बट दे रीच द समिट ऑल दो, श्रेया वॉज स्टडिंग इन द कार वाइल हर फ्रेंड वॉज वॉचिंग द बर्ड्स, आई विल कॉल यू आफ्टर आई कम टू कैनेडा. Neither my brother nor my uncle has a vehicle. ना मेरे ब्रदर के पास. तो जहां पे भी दो आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिलते हैं तो इट मीन्स यहाँ पे क्या भर रहे हैं हम, कोरिलेटिव कंजक्शंस. द सन वॉज एक्सट्रीमली हॉट येट द ब्रीज वॉज स्लाइटली रिफ्रेशिंग. नेक्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों, नेम द कंजक्शंस एक्सरसाइज. यहाँ पे आपको सेंटेंसेस दिए हैं और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, नेम ऑफ द कंजक्शंस. तो अभी हमने डिफरेंट टाइप्स की करी, हमने फिल इन द ब्लैंक्स करे हैं, अंडरलाइन हमने करे हैं और नेम ऑफ द कंजक्शंस भी हमने यहाँ पे करे हैं. तो आपको क्लियर हो गया होगा, और मिक्स एक्सरसाइज भी करी कि कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिंग कंजक्शंस को हाउ टू फिल इन अ सेंटेंस. क्लियर. तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, आई वुड नीड टू गो टू द सिनेमा बट देयर इज नथिंग डिसेंट ऑन द स्केड्यूल. तो बट है यहाँ पे बच्चों, तो बट इज योर क्या है, सबसे पहले हमने यही पढ़े थे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. तो बट क्या है आपका, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. और यहाँ पे दो जो है इक्वली सिग्निफिकेंट नोशंस जो है या आइडियाज को यहाँ पे बताया गया है कि नीड टू गो टू द सिनेमा और दूसरा क्या है, देयर इज नथिंग डिसेंट ऑन द स्केड्यूल. तो दिस इज योर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, तो आपको देना है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. हमने यहाँ पे रीजन भी दिया है, बट इट पुट्स टू इक्वली सिग्निफिकेंट नोशंस टूगेदर. जॉन कैन स्पीक कोहरेंटली इफ शी इज स्टेयरिंग डायरेक्टली एट यू. तो यहाँ पे क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है कि एक डिपेंडेंट है दूसरे पे, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जॉन कैन स्पीक कोहरेंटली इफ शी इज स्टेयरिंग डायरेक्टली एट यू. तो इफ इज योर क्या है यहाँ पे, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. Stop speaking to your pulse or take a different seat. Either stop, यहाँ पे बच्चों एक और आएगा, either stop speaking. तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, either is always accompanied by or. तो correlative conjunction है, क्या है, कोरिलेटिव कंजक्शन. नेक्स्ट क्या है, वी कांट बी श्योर हाउ वेल ग्रैंडफादर इज डूइंग अंटिल द रिजल्ट्स ऑफ हिज डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स अराइव. यहाँ पे ये क्या है, अंटिल हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, अंटिल प्रेजेंट शोकेसेस द सबऑर्डिनेट क्लॉज. एक डिपेंडेंट क्लॉज है, दूसरे पे क्या है वो डिपेंड है, इंडिपेंडेंट है. श्रेया विल नॉट विजिट अस अनलेस यू इनवाइट हर फैमिली. तो यहाँ पे क्या है बच्चों, अनलेस, सेम है यहाँ पे भी, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, अनलेस इट प्रेजेंट द सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज. ये एक डिपेंडेंट है और दूसरा क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज. क्लियर. नेक्स्ट है, आई केम आफ्टर दे लेफ्ट. तो यहाँ पे क्या है बच्चों, आफ्टर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, आफ्टर इट रिप्रेजेंट, क्योंकि ये क्या है, आई केम, दूसरे पे डिपेंड है कि आई केम जब मैं आया, आफ्टर दे लेफ्ट उसके बाद, दे लेफ्ट चले गए, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, आफ्टर इट रिप्रेजेंट द सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज. टिम एंड टॉम, तो यहाँ पे एंड क्या है बच्चों, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, went to the market to buy vegetables. So coordinating conjunction and it represents two similar ideas together. Tim and Tom went to the market to buy vegetables. अगर ये अलग अलग होते तो हम इसको क्या होता है, एक सेंटेंस में by using coordinating conjunction to make a single sentence. Right? So Tim and Tom went to the market to buy vegetables. Tim और Tom कहाँ गए,
वेजिटेबल बाय करने के लिए. तो दिस इज योर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. नेक्स्ट क्या है बच्चों, ही इज एज रिच एज सैम इज. दिस इज योर कोरिलेटिव कंजक्शन. एज एज कनेक्ट्स द सेंटेंस विद द नाउन एंड अदर क्लॉजेस. तो यहाँ पे क्या है, ही इज एज रिच एज सैम. शी नीदर कॉल्ड अस नॉर विजिटेड अस. तो यहाँ पे भी पेयर ऑफ कंजक्शन है, दैट इज योर नीदर एंड नॉर. तो ये क्या है बच्चों, कोरिलेटिव कंजक्शन है. नीदर इज ऑलवेज अकम्पनीड विद बाय नॉर. जैसे हमारे इधर जो है ऑलवेज accompanied by or, तो either or neither nor. तो she neither called us nor visited, कि ना तो उन्होंने हमें call किया ना ही हमें हमारे यहाँ जो है visit किया, ना ही call किया ना ही visit किया. she neither called us nor visited us. तो इस सेंस से अगर exam में आता है और आपको नाम लिखने हैं conjunctions के, तो सबसे पहले आपको घर में जाके क्या करना है, तीन कॉलम बनाने हैं बच्चों. एक में लिखना है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, दूसरे में लिखना है आपको कोरिलेटिव कंजक्शन, और थर्ड कॉलम बनाना है आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. और उसके नीचे आपको जो है सारे कंजक्शन के नाम लिखने हैं, सो दैट इट इज इजी फॉर यू टू, अगर कोई भी एक्सरसाइज आती है तो आप इजीली उसको कर सकते हैं. क्लियर? तो ये आज हमने जो है अपना टॉपिक को कंप्लीट किया है. एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं. तो पहला हमने पढ़े थे बच्चों कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. डेफिनेशन हमने दो तीन बारी जो है रिवाइज करी है क्लास में. आई होप इट इज क्लियर टू यू कि डेफिनेशन क्या होती है. टू जॉइन टू फ्रेजेस या मोर देन टू वर्ड्स होते हैं, क्लॉजेस होते हैं, सेंटेंसेस को हम जोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ कंजक्शन. क्लियर? फर्स्ट टाइप हमने पढ़ी थी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. तो हमने यहाँ पे एक आपको एक्रोनिम बताया था कि फैन बॉय से, और फैन बॉय से कैसे आपको लर्न करना है, फैन बॉय से. तो एस हमने बताया था किसके लिए होता है बच्चों, फॉर के लिए. ए इज फॉर एंड, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट. अगर इसको नॉर और नीदर और नॉर को अगर हम इकट्ठा यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, कोरिलेटिव कंजक्शन. क्योंकि उस समय हम क्या करेंगे, पेयर ऑफ कंजक्शन यूज करेंगे. और अभी हमने आपको क्लियर कराया था कि कोरिलेटिव कंजक्शन क्या होते हैं, पेयर्स ऑफ कंजक्शन. क्लियर? तो अगर नॉर के साथ इधर को नीदर को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, कोरिलेटिव कंजक्शन. सिमिलरली और के साथ अगर हम इधर को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, कोरिलेटिव कंजक्शन. राइट? अगर अलग से लेंगे इसको तो इन दैट केस इट इज योर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. इज इट क्लियर? तो यहाँ पे इसको अगर हम फ्रेंड बॉय से आप लर्न करेंगे तो इट इज इजी फॉर यू टू लर्न. राइट? एफ ए एन बी ओ वाई सो. क्लियर? तो क्या बन गया बच्चों, फैन बॉयस. तो इट इज इजी फॉर यू टू लर्न. क्लियर? तो इसी तरह से जैसे मैंने अभी बताया कि आप तीन कॉलम लिखेंगे और एक के नीचे जैसे कोऑर्डिनेटिंग हमने यहाँ पे पढ़े, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो कॉमनली यही यूज होते हैं. तो आप इनको लिखेंगे कोऑर्डिनेटिंग के हेडिंग में. सेकेंड आप लिखेंगे कोरिलेटिव. इट इज इजी कि कैसे फाइंड आउट करना है, पेयर्स है तो इट इज योर कोरिलेटिव. सबऑर्डिनेटिंग में आपको कैसे फाइंड आउट करना है कि एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा. क्लियर? तो कौन कौन से यूज करने हैं इसके आप टेबल अपने घर में जाके, दैट इज योर होमवर्क. तो यहाँ पे हमने डिटेल में पढ़ा था किस तरह से दो नाउन को, प्रोनाउंस को, या दो एडवर्ब को, या फ्रेजेस को, या एक नाउन होता है प्रोनाउन होता है, किस तरह से उसको हम ज्वाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. नेक्स्ट हमने पढ़े थे बच्चों कोरिलेटिव कंजक्शन. तो ये भी आप जो है घर में जाके एक, जैसे अभी मैंने बताया कि आप तीन कॉलम बनाएंगे और उसमें लिखेंगे कोऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव, एंड थर्ड वन इज योर सबऑर्डिनेटिंग. तो घर में जाके आपका होमवर्क क्या है बच्चों, सबसे पहले यहां लिखेंगे आप कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सेकंड में आप लिखेंगे कोरिलेटिव, ऐसे करके कॉलम बनाएंगे, और थर्ड में लिखेंगे आप सबऑर्डिनेट. Thank you.
और इनके नीचे आप सबके लिखेंगे कोऑर्डिनेटिंग क्या होते हैं, फॉर एंड, इस तरह से सिमिलरली कोरिलेटिव लिखेंगे और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज लिखेंगे, कंजेक्शन। तो बच्चों टुडे वी कंप्लीटेड आवर टॉपिक, हमने आज कंजेक्शन टॉपिक को कंप्लीट किया है। आप लोग घर में जाके रिवाइज द टॉपिक एट होम, और कहीं पे भी आपके समझ में नहीं आया है, इन द नेक्स्ट लेक्चर यू कैन क्लियर योर डाउट्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।